गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड्स, मेरी पीछे वाली वीडियोस जो पिछली वीडियोस हैं उनको देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। और किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था तो उसका जवाब आंसर आज मैं इस वीडियो से देने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द लिविंग कॉस्ट ऑफ द सिंगापुर। किसी ने पूछा कि सर सिंगापुर में जॉब तो मिल जाएगा फिर उसमें लिविंग कॉस्ट क्या है, क्योंकि अर्बन कंट्रीज़ जो होता है उसमें एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होता है। इट इज़ ट्रू, अर्बन कंट्रीज़ में एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है, अर्निंग ज़्यादा होता है तो एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होगा। ये आप मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपका एक महीने का कितना एक्सपेंसेस हो सकता है। और एग्जांपल इफ़ योर सैलरी इज़ 1500 समथिंग, सो $1500 अगर आपका सैलरी है तो हाउ मच यू कैन सेव, एक एग्जांपल है। लेकिन मैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ इसमें, क्योंकि हर किसी के एक्सपेंसेस अलग अलग होते हैं। कोई ज़्यादा खर्च करता है, कोई कम खर्च करता है, वो अपने ऊपर है। लेकिन मैं एक आपको रफ आइडिया दे सकता हूँ कि कितना एकोमोडेशन और फूड का कॉस्टिंग आता है। सो आप उसके हिसाब से लगा सकते हैं कि सिंगापुर इज़ ओके फॉर यू और अप टू यू। सो मेरा पहला, अगर आपका जो $300 और $300 में आपका एकोमोडेशन मिल जाता है, एक छोटा सा रूम होता है, 4 रूम शेयरिंग होता है, $1000 $250 भी कहीं हो जाता है मंथली। अगर आपको इंडिविजुअल रहना है तो $700 लगेगा। लेकिन अगर आपको शेयरिंग में रहना है, एक रूम में 4 पीपल्स होते हैं, 4 बेड्स होते हैं, सो $250 या $300 उसमें मिल जाता है। और उसमें शायद कुछ कंपनी भी आपको पे करेगा, कुछ कंपनी आपको पे करता है, कुछ आपको पूरा पे करना पड़ता है, कुछ कंपनी के रूल्स होते हैं। और रही बात फूड की, अगर आप डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप कुकिंग करते हैं तो शायद $1 $7 $5 इज़ इनफ। अगर आप बाहर खाते हैं तो $1 $15 इज़ इनफ। सो अगर आप बाहर खाते हैं तो $450 1 month, अगर आप घर में कुकिंग करते हैं तो $150 इज़ इनफ। सो डिपेंड ऑन यू हाउ यू स्पेंड योर मनी। सो एकोमोडेशन का $300 और खाने पीने का $600, तो टोटल एक्सपेंसेस $600। सो एक रफ आइडिया है, अगर कोई 600 to 700 इज़ इनफ फॉर 1 month, दिस इज़ फॉर नॉर्मल ह्यूमन लाइफ साइकिल। तो अगर आप विदेश में आना चाहते हैं और कुछ बचाना चाहते हैं तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो $600 तो हो जाएगा। और उसके अलावा आपका खुद का है कि हाउ यू स्पेंड योर मनी। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और अगर कमेंट्स करना है तो कर देना। किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि सर लिविंग कितने का होता है, तो मैं बता, एक नॉर्मल लिविंग $250 या $300 का होता है, मेरा $300 का है। देखो आपके पीछे मैं थोड़ा होम का भी दिखा देता हूँ कि $300 में चार आदमी, $1000 में चार आदमी का शेयरिंग है कैसा होता है। देखो आप मेरे पीछे कुछ बिल्डिंग देख रहे होगे, देखो यार दिख रहा है आपको, हाँ इस तरह का बिल्डिंग मेरा ये घर है, इसमें 7th floor पर मेरा घर है। और भी देखो इस तरह का सारा बिल्डिंग होता है घर, मैं दिखा देता हूँ। देखो ये एक बिल्डिंग। सो आपको दिख रहा होगा, सो इस तरह का हाउसिंग सिंगापुर में अवेलेबल है, क्योंकि बिल्डिंग्स बहुत सारा है, स्मॉल एरिया है सिंगापुर में, इसलिए बिल्डिंग्स अवेलेबल है। तो मैंने आपको बता दिया $600 या $700 लिविंग प्लस मकान, फूडिंग, मकान इज़ द वर्ड ऑफ मलय वर्ड इन सिंगापुर। सो फूडिंग एंड लिविंग मिनिमम $600 to $700, और आफ्टर अप टू यू, मिनिमम इज $600, आई थिंक इनफ। थैंक यू, लाइक योर माई वीडियोज़, थैंक यू शेयर।